हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AVS स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान जो है 310 केल्विन होता है। 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति 331 मीटर पर सेकेंड होती है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है, कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो है पारा। पारा पारा इसका जो संकेत है HG होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन हो गया। क्वेश्चन नंबर चार की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। एक वस्तु अधिकतम भार देती है, तो कब भार देती है? पानी में, निर्वात में, वायु में, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका राइट आंसर होगा इसका, निर्वात में अधिकतम भार देती है। क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच जो कह रहा है, सौर विकिरण का मापन किया जाता है, तो सौर विकिरण का मापन पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर छः की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छः कह रहा है, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो कौन सा रंग है? हरा प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बैंगनी प्रकाश जो है अधिकतम ऊर्जा रखता है। क्वेश्चन नंबर सात जो है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? माइक्रोमीटर होती है, या फर्मीमीटर, नैनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं, बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फर्मीमीटर जो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर सात जो है, हीटर में किस धातु का तार बना होता है? जो हीटर में तार लगा होता है वो किस धातु का बना होता है? तो बना होता है नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, नाइक्रोम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर नौ है, सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? सर्वप्रथम मिसाइल को जो बनाया था वर्नर वान ब्रोन ने बनाया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दस कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर ग्यारह कह रहा है, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे, जो पॉजिट्रॉन होता है उसके आविष्कारक थे, एडिसन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बारह कह रहा है, क्यूरी किसकी इकाई होती है? तापमान की, लंबाई की, ऊष्मा की, रेडियोधर्मिता की? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रेडियोधर्मिता की। क्वेश्चन नंबर तेरह जो है, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो बताइए हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने, या सैमुअल ने, जे रॉबर्ट ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर ने, जो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर चौदह कह रहा है, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताइए कौन थे स्कूटर के आविष्कारक। स्कूटर के आविष्कारक थे विम अबाउटोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्द्रता को मापा जाता है, तो आर्द्रता को किससे मापा जाता है? इसकी इकाई आर्द्रता को जो
मापी यंत्र होता है, आद्रता मापी यंत्र, इसके द्वारा मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, जो पादप कोशिका भित्ति है किस चीज़ की बनी होती है, शर्करा की, सेलुलोज की, सुक्रोज की, या इनमें से कोई नहीं, बताइए किसकी बनी होती है। तो सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, यांत्रिक शक्ति की जो एसआई इकाई है वो क्या है, यांत्रिक शक्ति की वाट है, जूल है, न्यूटन पर सेकंड है, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाट, वाट होगा, जिसका संकेत चिन्ह डब्लू है, संकेत चिन्ह डब्लू है संकेत। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, अफीम के कौन से हिस्से में मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है, तो अफीम के कौन से हिस्से में मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है, जड़ में, फलावरण में, पत्ते में, फूल में, किस में प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, फलावरण में। क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है, कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य की इकाई क्या होती है, वाट होती है, न्यूटन होती है, जूल होती है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल होती है, जूल, कार्य की एसआई यूनिट जूल होती है। और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है क्या होता है, हेनरी है, ओम है, कूलम्ब है, एम्पियर है, प्रेरकत्व का मात्रक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हेनरी होता है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, चैडविक थे, न्यूटन थे, रदरफोर्ड, या हेनरी कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा चैडविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 22 है कह रहा है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व की बात कर रहा है यहाँ पे, तो तत्व कौन सा होगा, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए कौन सा होगा। तो ऑक्सीजन जो होगा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो सापेक्षता का सिद्धांत है किसके द्वारा किया गया था, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा, पास्कल के द्वारा, या जे.जे. थॉमसन के द्वारा, तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो सापेक्षता का सिद्धांत जो आइंस्टीन ने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर जो 25 कह रहा है, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, तो किसकी कमी के कारण होता है, बताइए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा आयोडीन, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, साइटोलॉजी संबंधित है, साइटोलॉजी संबंधित है, बताइए किस चीज़ से संबंधित है साइटोलॉजी, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फसलों के अध्ययन से, फसलों के अध्ययन से, कोशिका के अध्ययन से, पक्षी के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन 26 का
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका के अध्ययन से संबंधित है साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। एथलीट फुट रोग का कारण है, जो एथलीट फुट रोग है, रोग का नाम है एथलीट फुट, जो किस मतलब कि जीवाणु से होता है या कवक से या वायरस से या प्रोटोजोआ से होता है, किस चीज़ से होता है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक के द्वारा होता है एथलीट फुट, कवक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होती है, तो किस अंग में संग्रहित होती है, त्वचा में, किडनी में, लीवर में, फेफड़ा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर में, लीवर में संग्रहित होती है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो कह रहा है, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, जो विकासवाद था सिद्धांत जो किसने प्रस्तुत किया था, न्यूटन ने, डार्विन ने, केल्विन ने, थॉमस ने, किसने प्रस्तुत किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 30 आज का आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 जो कह रहा है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। इसका आंसर जो बताना है कमेंट सेक्शन में बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा।